ये है अतिथि का नया घर और अतिथि कुंभ भर के रख रही है। गणपति बाप्पा की जय, लक्ष्मी माता की जय। बस लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिले और इसी तरह से पूरा अपना कुंभ भरा हुआ रहे। तो घर का एक लुक बता देती हूँ। कल से हॉस्पिटल ज्वाइनिंग है उसका, तो ये है हमारा घर। और बहुत अच्छा है, ओनर भी बहुत अच्छे हैं और जो एजेंट थे, ब्रोकर थे, वो लोग भी बहुत अच्छे मिले हमको। उन्होंने बहुत हेल्प किया और बिग बेडरूम मिला है, बहुत अच्छा। कल मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगी, यहाँ से बहुत अच्छा मॉर्निंग व्यू। और ये देता है, देखिए यहाँ पे बर्ड का नेस्ट भी लगाया है। उन्होंने बड़े प्यार से घर को बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया। देखिए फैन भी बहुत अच्छे लगाए हैं एकदम, और आवाज़ घूम रहा है क्योंकि खाली घर है ना, विथ एसी। हमें बहुत अच्छा घर मिल गया है अतिथि के नसीब से। अतिथि का चंडीगढ़ का घर भी बहुत अच्छा था, देखिए लाइट के बटन्स वगैरह पूरी तरह से, और यहाँ पे तैयार होने के लिए ये बहुत अभी तक अच्छा सबसे मिरर। अच्छा काम लगा है, हाँ बहुत ये अच्छा अच्छी तरह दिया। है ना। वाओ, ओनर खुद यहाँ रहते जस्ट लाइक अ बाप। थे। हाँ बहुत अच्छा, मतलब ये एस्थेटिक है, थोड़ा अच्छा हाँ लग रहा है। बहुत बहुत मस्त। अपन करती हूँ, लाइट बिल भी अपने को भरना है। और ये है हॉल। हॉल में बहुत सारा हमारा सामान पड़ा हुआ है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है हमारा ऊपर का सीलिंग, देखिए बहुत अच्छी लाइटिंग है। बालकनी में कल सुबह दिखाऊंगी, बालकनी भी बहुत मस्त है, सुंदर है एकदम। यहाँ से एंट्रेंस है, तो ये कुछ अतिथि के घर का लुक। बाथरूम भी दिखा देती हूँ, बाथरूम क्यों छोड़ू। चलो लाइट बाथरूम की, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है मुझसे। थोड़ा सा कड़क ये बॉयज से होता है जरा, अरे बाप रे, तो खुल ही नहीं रहा है वो, बट ये काम का नहीं है क्यों? इसमें अच्छा अपन तो प्रेशर जाएंगे ही में। नहीं इसमें। यहाँ की लाइट चालू कर, पर फिर भी अच्छा उसने खोला था पर मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ा मुझे अभी भी तो नहीं। बुलाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे बाथरूम है, देखिए विथ गीजर सब कुछ दिया हुआ है, शावर, और ये इंग्लिश कमोड। जेड स्प्रे भी दिया है, मैं डर रही थी जेड स्प्रे नहीं होगा, तो गुड, एवरीथिंग इज गुड। ये हमें थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग करना पड़ेगा लगता है, ये वो बॉयज लोग प्रेस से जेंट्स लोग से अच्छा होता मेरे को है, इजीली दिखा रही हूँ, ज्यादा है। इजीली हो रहा है वो, नहीं तो बंद हो जाएगा अभी। ओके ठीक, कुछ लेटेस्ट उन्होंने अटैचमेंट दिए। तो ये था अतिथि, आर यू हैप्पी? हाँ बहुत ही, मुझे घर अच्छा नहीं चाहिए रहता हमेशा ही मेरा है। मैं अंकल का घर भी बहुत ढूंढ के ली थी, इतने दिन होटल में रुकी पर मैं घर अच्छा ली, क्योंकि मुझे पता है कि रहना है तो वो जगह अच्छी चाहिए। मैं घर, ओनर सब बराबर, दिशा, ईस्ट वेस्ट सब देख के लेती हूँ, नहीं तो मैं घर के लिए वेट करती हूँ आराम से। मुझे इस बार पर मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत जल्दी भी देख के लेना हाँ पड़ा ये घर, हम लोग ने बिना बट देखे सिर्फ हाँ वीडियो से ही लिया, मतलब उन्होंने वीडियो फोटो भेजे बट तो वो बस बहुत उससे ही हमने, कोऑपरेटिव थे पर उन्होंने। बहुत अच्छा हाँ तो दिलाया मुझे उन्होंने। वीडियो कॉलिंग किया यहाँ से, क्योंकि हाँ मैं मुंबई पूरा थी तो वहां से भी बिना वीडियो देखे कॉलिंग हो हमने गई। घर हाँ ले लिया है, बट और अच्छा है घर, रीजनेबल मिल गया, टीवी एकदम का मस्त मिल गया। कोऑर्डिनेट भी है बट हमारे पास टीवी नहीं है। सुनो डोंट डू ना बेटा, नहीं मेरे को ले आने दो, अब देखो कितना साफ दिख रहा है। ये लड़की ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे बटरफ्लाई, फिर भी मैं ना चलो बाहर का दिखा देती हूँ इनको, ठीक है, देखती हूँ। तो ये हमारी बालकनी है देखिए, और बालकनी से व्यू इतना सुंदर है, मैं डर रही थी व्यू कैसा मिलेगा कैसा नहीं, पर व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, वाओ वाओ जस्ट वाओ। और प्लांट्स कौन से हैं यार, मुझे घर जल्दी भागना पड़ेगा क्योंकि मेरे प्लांट्स सूख जाएंगे। यहाँ मुझे प्लांट्स मिल गए हैं, यहाँ पे
सब कुछ फैसिलिटी है, कपड़े सुखाने के लिए रैक भी है, कोई चीज का टेंशन नहीं है, कोई चीज का टेंशन नहीं, सारी फैसिलिटी है। देखिए बालकनी, और बालकनी का स्पेस बहुत बड़ा है, हम लोग रात को यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं मजे से एकदम। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट्स दिए, एसी का आउटलेट यहाँ पे दिया है, सब कुछ सर्विसिंग करवा के दिया है, एसी आरओ सब कुछ सर्विसिंग करवा के दिया है। बालकनी में भी लाइट है दिखा? हाँ बालकनी का लाइट दिखा, सेम अंकल जैसा सेम। हाँ सेम, मेरे चंडीगढ़ में सेम वुडन फ्लोरिंग थी। देखिए वुडन फ्लोरिंग बहुत छोटी थी ये बालकनी, वहाँ पर वहाँ की भी बालकनी बहुत अच्छी थी। ये सब हम सफाई कर डालेंगे एकदम मस्त, क्योंकि कलर पेंट हुआ है ना तो वो थोड़ा सा ऐसा रखा है। बाकी तो यहाँ पे बैठ के ना बारबेक्यू पार्टी करने को बहुत मजा है। पर भाई दूसरे का घर है, हमें खूब संभाल के रखना है। रोज है ये, रोज है पिंक कलर। तो एलोवेरा भी हमें झाड़ मिल गया, वाओ। चलिए एकदम मस्त। और ये बहुत सारे प्लांट्स है आपको, मैंने एक और प्लांट और मेरा ये लकी प्लांट, ये लकी प्लांट है, यही आपको बताना है। और यहाँ पे मिर्ची के प्लांट्स मुझे मिल गया, वाओ। अतिथि देखो मेरे मिर्ची के प्लांट में ये आया था ना, शिमला मिर्च का ही है, शिमला मिर्च का। मेरे मिर्ची के प्लांट में भी फूल आए थे, बट अपने बैंगन के तो रह गए ना। ये बिल्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो मतलब लोकैलिटी। ये जो सामने बिल्डिंग लग मिली है ना, वो आर्मी वालों की रेफ्यूजी एरिया है, मस्त। यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग लगा दूंगी तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो थोड़ा सा हम लोग वॉकिंग करने को निकले हैं और कुछ एरिया देखते हैं, पेट पूजा भी कर लेते हैं एकदम मस्त। वहाँ पे देखो चिंटू की दुकान। चलो ग्रोसरी की दुकान भी हमको मिल गई, मतलब वही और की दुकान से थोड़ा दो तीन कुछ लेके आना रहता है, पाँच दस रुपए का कुछ खत्म हो जाता है, तो पब्लिक की दुकान है नीचे उतर के। ग्रोसरी की दुकान है आपको, से हम लोग उनका फोन नंबर कर देंगे सामान की, तो कोई टेंशन नहीं है हमको। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट माई चाइल्ड। मम्मी बहुत डर रही थी, मैं बहुत डर रही थी कैसा। हाँ बट बहुत ही अच्छा है, मतलब सभी लोग अच्छे मिले टचवुड अब तक। हाँ प्लीज होप कि अब सब आगे भी अच्छा हो, बस अब परेशानी नहीं हो। हाँ अब टेंशन का काम नहीं करना है, अब हमें बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही चाहिए। चलो अतिथि, मतलब यहाँ पे ना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मतलब मेन रोड पे है। अभी क्या होता है ना, अपना लोकेशन छोड़ के अपन कहीं और आते हैं ना, हाँ, तो नई चीजें हम लोग को मिलती है, जस्ट वाओ। तो यहाँ मिल जाएगा बालकनी डेकोरेट करने के लिए, लाइटिंग वगैरह सब है ना, तो ले लेंगे। थोड़ा घर जाके अपन आइडिया लेंगे ना, क्रिसमस डेकोरेट करेंगे, हम भी क्रिसमस ट्री लेके जाएंगे। हाँ चलो, बनाना वाला मिल गया। हाँ बालकनी बहुत अच्छी और बनाना वाला मिल गया मेन तो। हाँ तो यहाँ पे हमें सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे हमको सब मिल जाएगा। अतिथि की फेवरेट आइसक्रीम भी मिल जाएगी यहाँ पे, और मेन तो बनाना मिल जाएगा। इसको बनाना खिलाने के लिए मैं कितनी उतावली होती थी, बनाना खिलाऊँ बनाना खिलाऊँ। और हॉस्पिटल भी एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो और ये कैसा, आपको दूध वगैरह का भी टेंशन नहीं है। हाँ, करके नीचे हाँ, ही सब बस है। पहले मतलब मैं दौड़ दौड़ के आके बहुत थोड़ा ये था, मुझे ऐसा टेंशन आ रहा था कि अतिथि के लिए फ्रिज लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है फ्रिज की भी, मैं दूध लाके गरम कर दूंगी उसको, या अतिथि खुद भी कर लेगी ना। किसी की गाड़ी तो करके लेके जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पे भी लोग हमें सब अच्छे ही मिले हैं, मतलब अच्छी शुरुआत हुई है तो अच्छा हुआ है। तो आपने देखा आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, नहीं खाना दिखाएंगे, हम खाना खाएंगे तो खाना ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो आपको मैंने बोला था खाना ज़रूर बताऊंगी, तो यहाँ पे हम लोग ने स्टीम मोमोज लिए हैं, और यहाँ पे स्टीम मोमोज बन रहे हैं एकदम। यहाँ है पानीपुरी का स्टॉल, लेकिन हम लोग घर पे बनाने के लिए पानी पूरी
खाए हैं, पानी बनाएंगे घर पे, और हम लोग और भी खाना खाएंगे और डोसा खाएंगे, पर अभी पहले ये मोमोज खा लेते, कैसा है टेस्ट करके बताओ। टू मच हॉट, बहुत गर्म है, से तो वेट करना पड़ेगा। जो हमें यहाँ तक लेके आई उसने बताया कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा, आप लोग यहाँ पे खा लो, तो इसलिए हम लोग यही फिर आ गए। ठंडा हो गया, खा के दिखाओ बेटा कैसा लग रहा है। बहुत गर्म है बेटा, नाइस वन। चलो मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ मोमोज को। और इसका रेट कितना है? 80 रुपीज। तो ये है हमारा कटरोल डोसा और इसका प्राइस है 90 रुपीज़। चलो आप लोग भी आ जाओ खाने को।